मैं एक 7-8 दिन पहले, कोई अखबार ने लिखा नहीं, एक कलर मराठी करके स्टूडियो में था और उसमें मुझे एक सवाल पूछा था वो चुनाव के समय जो वादे होते उसके बारे में। तो मैंने बताया कि जब महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव था तो गोपीनाथ मुंडे जी और देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि हम लोग टोल समाप्त कर देंगे, ऐसा घोषणा करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा ये घोषणा मत करिए, आर्थिक दृष्टि से इसको बहुत अड़चन आएगी इसका पालन करने में। तो बाद में उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि तुम समझ रहे हो कि हमारा राज आ रहा है। तो मैंने बोला राज आएगा तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा कि बहुत साल अपोजिशन पार्टी में रहने के कारण जब हम जाहिरनामा तैयार करते थे तो बहुत से घोषणाएं करते थे क्योंकि हमको सत्तारूढ़ पार्टी का अनुभव नहीं था। दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार ने, जिसमें मैंने ना मोदी जी का नाम लिया, ना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, ना मैंने कोई 15 लाख रुपए वापस करने की बात की, पूरी तरह से 100% निराधार एक टेबल न्यूज़ छापी। और वो न्यूज़ छापने के बाद मैं एक राहुल गांधी जी को कब से मराठी समझने लगा, तो वैसे भी मैं क्या बताऊँ उनके लिए कि उन्होंने मराठी किसी से समझ लेना चाहिए था। बिना समझे उन्होंने ट्विटर पर मेरा अभिनंदन भी कर दिया, जो मैंने कहा नहीं। वैसे और एक बार उन्होंने इसके पहले भी किया था। और इसलिए मैं आप मित्रों से यही प्रार्थना करूँगा कि मैं किए हुए वादे पूरे करता हूँ और हमने किए हैं। और इस कार्यक्रम में जो टोल की बात हुई है वो भी वादा महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने टोल रद्द करके पूरा किया है। मैं राहुल गांधी जी को एक ही प्रार्थना करूँगा, राहुल जी जरा मराठी भी सीखिए ताकि आगे आपको कोई भी ट्विटर पे भेजने के पहले तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। बिना समझे ऐसे ट्विटर पर मत जवाब भेजिए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।